नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में इन दिनों डिमांड की हालत बहुत खराब हो गई है। इस महीने यूरोप में कारोबारी गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। इसका असर S&P ग्लोबल के द्वारा तैयार किए जाने वाले PMI आंकड़ों पर पड़ा है। S&P ग्लोबल के द्वारा तैयार HCOB यूरो जोन कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में कम होकर 46.5 पर आ गया। मतलब यूरोप में आर्थिक गतिविधियां करीब 3 साल में सबसे निचले स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा के मौके पर दिल्ली के DDA ग्राउंड में आयोजित रामलीला के कार्यक्रम में पहुंचे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री के हाथों तीर मारकर रावण का दहन किया गया। रावण दहन से पहले PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन सिर्फ पुतले का दहन ना हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिस कारण से समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर माँ भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचारों का जिनमें भारत का विकास नहीं का सिद्ध निहित है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को नेशनल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मेडल से सम्मानित किया। यह अमेरिका में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए सर्वोच्च सम्मान है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को गाडगिल और सुरेश को पदक से सम्मानित किया। वहीं सुब्रा सुरेश एक भारतीय मूल के अमेरिकी बायो इंजीनियर, मटीरियल साइंटिस्ट और एकेडमिक है। इसके अलावा वह एक प्रोफेसर एमेरिटस और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पूर्व डीन भी रह चुकी है। श्रावस्ती पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। उन्होंने छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और विषमता को देश के लिए कैंसर बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वामी प्रसाद को जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ दूषित मानसिकता रखने वाले ईमानदार नहीं हो सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, संविधान 140 करोड़ लोगों को सम्मान का संदेश देता है। जमुई के एक साधारण परिवार के दिव्यांग बेटे ने सोमवार को चीन की धरती पर ऊंची छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। यह कारनामा दिखाया है जमुई के शैलेश ने। शैलेश ने स्वर्ण पदक जीतकर जमुई की नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि जमुई जिले के इस्लामनगर के रहने वाले शैलेश कुमार पिता सिमनंदन यादव ने चीन में चल रहे T63 में ऊंची छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद जमुई बिहार ही नहीं पूरे देश का मान बढ़ाया है। शैलेश कुमार की इस कामयाबी से परिवार के साथ साथ उसके गाँव और जिले भर में खुशी की लहर है। अगर आपकी गाड़ी CNG की है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा क्योंकि अगले महीने यानी नवंबर से सरकार एक बड़ा बदलाव कर सकती है। बदलाव ये है कि अब आपको अपने CNG किट का इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट रखना कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द से जल्द अपने डीलर से संपर्क करें। आपको बता दें कि अभी सरकार की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट है कि सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पिछले बहुत समय से तर्क वितर्क किए जाते रहे। 1951 से 52, 1957, 1962 और 1967 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। हालांकि इसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद हालातों में बदलाव आया। साल 2018 में विधि आयोग की तरफ से तैयार किए गए मसौदे में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की गई थी। इस मसौदे में ये बात कही गई थी कि देश को यदि चुनावी मोड से निकाला जाता है तो विकास पर और अधिक ध्यान दिया जा सकता है। भारत, श्रीलंका, अमेरिका सहित कई देशों में खेतिहर मजदूरों की किडनी में आ रही खराबी पर वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है कि इसकी वजह गन्ने और धान की फसल जलाना हो सकता है। इन्हें जलाने पर बेहद सूक्ष्म सिलिका तत्व वातावरण में फैल जाते हैं जो सांस या पानी के जरिए मजदूरों व इन खेतों के निकट रहने वालों के शरीर में दाखिल होकर उनकी किडनी में जमा हो रहे हैं। यही उनकी किडनी को खराब भी कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर शिक्षक बहाली परीक्षा को एक घोटाला करार दिया। जीतनराम मांझी ने लिखा कि जिस तरीके से रेलवे में कुछ साल पहले लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ, उसी तर्ज पर बिहार में अब पैसे के बदले नौकरी घोटाला हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधलीकरण आरोप लगाते हुए जीतनराम मांझी ने पूरी परीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, BPSC शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो सरकारी नौकरी लो घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं को बेड़ा गर्क कर दिया है।
बासमती चावल के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को कम करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि सरकार बासमती चावल का फ्लोर राइस घटाकर $950 प्रति टन कर सकती है। इससे चावल निर्यातकों को काफी फायदा होगा। हालांकि वर्तमान में बासमती चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1,200 प्रति टन है। दरअसल कल यानी सोमवार को बासमती चावल के निर्यातकों और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी। इस बैठक में बासमती चावल के निर्यातकों की मांग पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को कम करने का फैसला लिया गया। इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 6500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत ने अपना पक्ष रखा। यूएन में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि और रविंद्र ने बैठक के दौरान नागरिकों के जीवन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और संघर्ष में नागरिकों के जीवन के बारे में चिंतित है। हम इसराइल पर हुए हमले की निंदा करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही जनता जजों का चुनाव नहीं करती है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायपालिका एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में बहुत अहम रोल निभाती है। जस्टिस चंद्रचूड़ वाशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर और दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यपालिका के कामकाज में न्यायपालिका के दखल से जुड़ी बहस का जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही जजों का चुनाव नहीं होता हो, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पराग बकरी ग्रुप के मालिक पराग देसाई की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। SLB हॉस्पिटल की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि पराग देसाई के शरीर पर डॉग बाइट के कोई निशान नहीं मिले हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि देसाई को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 6 बजे के आसपास लाया गया था। बता दें कि देसाई के निधन मामले में उनके परिवार की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम स्वनिधि योजना की तारीफ की। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पीएम स्वनिधि से स्ट्रीट वेंडर्स को काफी फायदा हुआ है। इस योजना से वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए। उन्होंने कहा कि SBI द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से यह तय हो गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में बदलाव आया है। वे फाइनेंशियल रूप मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की माने तो पीएम स्वनिधि योजना एक तरह की समावेशी प्रकृति की स्कीम है। वर्ल्ड कप 2023 में दर्शकों की गिरती संख्या से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आधिकारिक प्रसारणकर्ता काफी चिंतित है। इस वर्ल्ड कप में डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टेडियम दोनों पर दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा कम है, जिसकी चिंता ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजककर्ता ICC को भी। ICC ने अब इस मसले पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। वनडे वर्ल्ड कप में लोगों की गिरते हुए आकर्षण को देखते हुए ICC ने नवम्बर में एक रिव्यू मीटिंग करने का ऐलान किया है। यह रिव्यू मीटिंग 18 नवम्बर को होगी। कृत्रिम टर्फ खेल मैदान तेजी से प्राकृतिक टर्फ का स्थान ले रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूरोपीय संघ में हर साल लगभग 1200 से 1400 कृत्रिम टर्फ से बने खेल के मैदान स्थापित किए जा रहे हैं। ये मैदान मुख्य रूप से प्लास्टिक से बने होते हैं, जो तेजी से पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। कृत्रिम टर्फ को लेकर बार्सिलोना विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान संकाय के समुद्री भूविज्ञान की शोध टीम ने अध्ययन के बाद इसका खुलासा किया। अध्ययन में पहली बार कैटलिन तट और गुआडाल्विकर नदी के सतही पानी से एकत्र किए गए नमूनों में कृत्रिम टर्फ फाइबर की भारी मात्रा पाई गई है। कोरोना की वजह से भले ही अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, लेकिन 2020 से 22 तक यानी 3 साल में लोगों ने कर्ज पर ब्याज के रूप में 1.75 लाख करोड़ रुपए बचाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के कारण RBI ने रेपो दर में 2.5% की कटौती की थी। इससे ब्याज दरें कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई थी। हालांकि ब्याज दरें बढ़ने से इस साल कर्ज पर 33,000 करोड़ ज्यादा ब्याज चुकाए हैं। राज्य भर के स्कूलों से 20 लाख से अधिक बच्चों का नाम काटे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसको लेकर नाराजगी जताई और कहा कि KK पाठक का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। अजीत शर्मा ने कहा कि 15 दिनों तक जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनका नाम काटा गया है, यह काफी गलत है। विधायक ने कहा कि विभाग को पहले बच्चों और उनके अभिभावकों को यह जानकारी देनी चाहिए थी कि अगर स्टूडेंट 15 दिनों तक एबसेंट रहेंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा और वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रदेश के दुर्गम गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क की राह में करंट का रोड़ा अटक गया है। 2 लाख रुपए तक के खर्च के टावर तक तो UPCL कनेक्शन दे सकता है, लेकिन जिन 116 टावर तक बिजली लाइन पहुंचानी है वहां खर्च कहीं अधिक आ रहा है। लिहाजा अब 86 के बजट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। कई विकास खंडों का 60% से प्रत्येक हिस्सा नेटवर्क विहीन है। केंद्र सरकार के 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 13 जिलों में BSNL को 520 मोबाइल टावर लगाने हैं। इनमें से BSNL ने 467 टावर तक बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में बयानबाजी जारी है। मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के लेटर को लेकर उन पर हमला करते हुए कहा कि BJP का स्वागत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक लेटर शेयर करते हुए BJP सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश की सुरक्षा को एक सांसद के लोभ ने खतरे में डाल दिया। रावण दहन व दुर्गा माता के कलश व विसर्जन के बाद धर्म युद्ध की शुरुआत। यह राजनीति से ऊपर पक्ष विपक्ष का नहीं, देश की सुरक्षा अखंडता का सवाल है।
श्रीलंकाई कैबिनेट ने कर्ज में फंसे द्वीप राष्ट्रों में पर्यटन क्षेत्र को दोबारा उभारने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके पुनर्निर्माण के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूर कर दिया है। विदेश मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को यह ऐलान किया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इसे 31 मार्च 2024 तक प्रायोगिक परियोजना के तहत लागू किया जाएगा। कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों के लिए तत्काल प्रभाव से मुफ्त प्रवेश की इजाजत दे दी है। इन देशों के पर्यटकों को बिना किसी शुल्क वीजा मिल सकेगा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा पट्टी में पूर्ण युद्ध विराम और तटीय इलाके में लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए स्थायी गलियारे खोलने का आह्वान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब्बास ने मंगलवार को रामलल्ला में राष्ट्रपति मुख्यालय में दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। अब्बास ने दोनों पक्षों के नागरिकों की हत्या की निंदा की और दोनों पक्षों से नागरिकों, कैदियों और बंदियों की रिहाई का आह्वान किया। अब्बास ने फिलिस्तीनियों के उनके घरों और जमीनों से विस्थापन की भी अस्वीकार कर दिया, चाहे वे गाजा में हो, वेस्ट बैंक में हो या यरूशलेम में हो। दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। 13,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भर्ती को मंजूरी दे दी है। जूनियर रैंक के 13,013 पदों को अगले साल 2024 तक भरा जाएगा। वहीं इस साल दिसंबर तक 3,521 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। भर्ती करने के निर्देश जारी हो गए हैं। जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की भर्ती SSC करता है। नोटिफिकेशन देखने के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर नजर बनाए रखें। इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इसे देखेंगे, पहले 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए, उसके बाद गठबंधन देखेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि यह क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल होगा। इस पर खड़गे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। चुनाव विधानसभा चुनावों से अलग होते हैं। पीएम मोदी हर चुनाव का मेरा चुनाव कहते हैं, मुझे देखकर वोट दो पैसा पीएम कहते हैं। पीएम हर चुनाव, नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव को खुद को मतदान करने के लिए कहते हैं। खड़गे ने कहा कि क्या पीएम खुद सीएम बनने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने देश के लिए सकारात्मक रुख बनाए रखा है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर एक और ग्लोबल एजेंसी ने अपनी मुहर लगाई है। S&P ग्लोबल ने भारत पर भरोसा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश आने वाले 7 साल में कमाल कर देगा और साल 2030 कर ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। सरकार के कोयला मंत्रालय ने एक स्पेशल कैंपेन चलाकर अपने सारे दफ्तरों और ऑपरेशन से कबाड़ जुटाया और उसे बेचकर 28.79 करोड़ रुपए की कमाई की है। इतना ही नहीं, इस कबाड़ को बेचने का फायदा ये हुआ कि कोयला मंत्रालय के ऑपरेशंस और खदानों में घिरी हुई 50,59,012 वर्ग फुट जगह खाली हो गई। ये एरिया इतना बड़ा है कि 100 गज के 5,000 से ज्यादा मकान बन जाते हैं। कोयला मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस कबाड़ में अब तक कुल 1,08,469 फिजिकल फाइल्स बाहर आई है। इनमें से करीब 8,088 फाइल्स ऐसी थी जिनकी अब कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 1.70 लाख पदों पर हुई शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अब लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बैकडोर यानी पिछले दरवाजे से लोगों को नौकरियां दी हैं। शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी ओर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी नीतीश सरकार पर BPSC शिक्षक बहाली में लैंड फॉर जॉब की तरह घोटाला होने का आरोप लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आबादी की जमीन में मेरी चौखट मेरी चौहद्दी के झगड़े और फिर फुटबॉल के मामले कम होंगे। लखनऊ के 670 में 500 गांवों की ड्रोन मैपिंग हो गई है। अब इस मैप को सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा गया है। शेष प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन गांवों के आबादी की जमीन पर रहने वालों के घरौनी मिल जाएंगी। योगी सरकार ने सभी गांवों की मैपिंग कर वहां रहने वाले प्रत्येक परिवार को जमीन का प्रमाण पत्र यानी घरौनी देना शुरू किया है। जिले में अब तक 105 गांवों के 14,169 लोगों को घरौनी बांटा जा चुका है। ADM प्रशासन सुभी सिंह के अनुसार जल्दी और 24 गांवों में घरौनियों का वितरण कर दिया जाएगा। विजयादशमी पर गोरखपुर ICM योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आमजन की फरियाद सुनने के साथ ही उनके मामलों के निस्तारण की मियाद भी तय कर दी है। CM ने कहा कि सभी मामलों को एक निश्चित तारीख के पहले निस्तारित करें, ऐसा न हो कि एक ही शिकायत बार बार आए, इसका विशेष ख्याल रखें। जनता दर्शन में CM योगी ने अधिकारियों को 2 टुक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी के लखीमपुर खीरी में विजयादशमी के दिन मासूम बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। किसी ने छत से इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फायर में वीडियो की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। CEO के मुताबिक पुलिस बच्चों और उनके माँ बाप की शिनाख्त कर रही है। जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, गुड़िया कुमार मौर्य, मोहम्मद फहीम, अर्जुन राम, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने दुर्गा पूजा और दशहरा में क्या क्या किया? अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।